दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज तो एक बंदरों का रिजल्ट जारी हो गया और इसके अलावा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा दो नए विज्ञापन यहां पर जारी कर दिए गए हैं। कुछ ही दिनों में सचिवालय रक्षक का भी रिजल्ट आ जाएगा, उसका भी इंतजार है दोस्तों। वो भी रिजल्ट आपको 25 जनवरी से पहले तक देखने को मिल जाएगा। ये जो दोस्तों दोनों विज्ञापन हैं इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये जो भर्ती निकली हुई है गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में गन्ना पर्यवेक्षक के 78 रिक्त पदों पर, डेयरी विकास विभाग में राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के भी 9 पद हैं। तो कुल मिला के जो पद हैं ना देखते हैं हम। बाकी आज से दोस्तों इसके लिए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि कब से है, तो ये 8 जनवरी से, 8 जनवरी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि अभी दोस्तों बहुत समय है, 27 तारीख से आप इसके लिए फॉर्म भरेंगे और 12 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे, 12 मार्च तक। और लिखित परीक्षा का अनुमानित समय दिया है अगस्त 2022 में, उससे पहले पुलिस के लिए दिया हुआ है और उससे पहले फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, इनका सबका हो जाएगा। तो पदों की संख्या दोस्तों कुल मिला के 100 रिक्त पदों पर, बाकी कुल पद यहाँ पर जोड़े हुए हैं तो ये 100 पद कुल मिला के बैठ रहे हैं। बाकी कहीं 4 पद हैं, कहीं 9 पद हैं, कहीं 78 हैं, कहीं कितने हैं, तो कुल मिला के दोस्तों पदों की संख्या 100 है। बाकी आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु पर ही बात करेंगे। OTR आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और क्वालिफिकेशन क्या है सब कुछ देखते हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के अंत में दिए गए निर्देशों को भली भांति अवश्य पढ़ लें। अब दोस्तों यहाँ पर तो मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा, बाकी आप इसे भी एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। तो गन्ना पर्यवेक्षक के 78 पद हैं, शुरुआत में दिया हुआ है महिलाओं के लिए पद हैं। महिलाओं के लिए कितने पद हैं तो 23 पद हैं, पुरुषों के लिए यहाँ पर कुल मिला के जो कुल पद हैं वह है 78, कुल पद 78 और महिलाओं के लिए भी पद इसमें हैं। वेतनमान इसमें जो है वो है जो BDO BPDO लेवल का है, 4 लेवल का, वो आपको दिया जाएगा। 21 साल से 42 साल तक है, अभी कोई कोई पोस्ट 18 वाली भी है, अभी आपको दिखाता हूँ नीचे। अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त, पेंशन तो मिलेगी। इंटरमीडिएट कृषि सहित एवं सरकार द्वारा कृषि होनी चाहिए और सरकार द्वारा उसके समक्ष कोई अब बहुत से नहीं भर पाएंगे। दूसरा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल हाई स्कूल या उसके द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कक्षा उत्तीर्ण की हो, तो ये आपके पास होना चाहिए। 2 वर्ष का डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का, कृषि में 2 वर्ष का डिप्लोमा, तो ये इसके लिए होना चाहिए। बाकी राज्य के दुग्ध पर्यवेक्षक के 9 पद हैं, इसमें भी वेतनमान 4 का है, महिलाओं के लिए बहुत कम पद है, 3 पद हैं और कुल मिला के 9 पद हैं यहाँ पर, पुरुषों के लिए 9 पद हैं। इसमें भी 21 से लेकर 42 साल तक है। इसमें जो शैक्षिक अर्हता है वो है इंटरमीडिएट परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा अवश्य हो। अगला बागान पर्यवेक्षक 4 पद हैं, कनिष्ठ सहायक लेवल का वेतनमान है इसमें, 21-42 इसमें भी है। कृषि विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट ये भी है आपके लिए इसमें। और गार्डनर ओवरसियर इसमें थोड़ी 5 लेवल की सैलरी है और 18 से लेकर 42 साल तक इसमें मांगा गया है, सिर्फ इसमें एक ही पद है और कोई जनरल का इसको ले जाएगा, जनरल के लिए है। बाकी इंटरमीडिएट के साथ उद्यान विभाग में ऑर्नोमेंटल गार्डन नर्सरी 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए बल इसके लिए, तब आप इसके लिए भर पाएंगे। अगला खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3, 8 पद हैं कुल मिलाकर इसमें, सभी के एक एक पद और जनरल के लिए 4 पद, महिलाओं के लिए 1 पद। वेतनमान 4 लेवल का है, विज्ञान इसमें भी होना चाहिए, कृषि में इंटरमीडिएट के साथ खाद्य प्रसंस्करण में 1 वर्षीय डिप्लोमा, बाकी 2 घंटे की परीक्षा होगी। अब इसमें यह मत सोचना कि हिंदी उत्तराखंड आएगी, जीके आएगी, सब कुछ नहीं इसमें दोस्तों, साइंस से ही आएगा इसमें। अभी सिलेबस आ जाएगा जैसे ही तो तुरंत आपको बता दिया जाएगा, बाकी चैनल के साथ बने रहेगा। 1 जुलाई 2021 से आयु सीमा गणना होनी है और 18 से लेकर 43 साल तक आयु सीमा रखी गई है, तो इसके बीच में अगर आप आते हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थी आते हैं तो ज़रूर से इस फॉर्म को भर लीजिएगा। तो बाकी दोस्तों अभी फॉर्म भरने का समय है वैसे भी 27 तारीख से, तब एक बार फिर से मैं नई वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। बाकी जो विज्ञप्ति की पूरी PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और बाकी यहाँ पर कहा है कि परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी हो सकती है। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।